दोस्तों सामान्य बातचीत परिचर्चा और इंट्रोडक्शन परिचय के दौरान अगर आप किसी को ये कहें कि मैं आईआईटी से एमबीबीएस कर रहा हूं तो आपको ये कहा जाएगा कि यार बहुत हो गया, थोड़ा सा कम। ये अब सही होने वाला है, साकार होने वाला है, वंडरिंग और सरप्राइजिंग जरूर है, लेकिन आईआईटी भी अब एमबीबीएस करवाने वाली है। इसका मतलब क्या एमबीबीएस के दिन फिरने वाले हैं, बदलने वाले हैं, क्या उसके स्टैंडर्ड में स्तर में सुधार आएगा? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अभी एमबीबीएस का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेज जो स्टेट के भी हैं और कुछ सेंटर के भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फैकल्टी प्लेसमेंट, रिसोर्सेज, लेबोरेटरी और साइंटिफिक एटीट्यूड को बहुत ठीक करने की जरूरत है। खबर आपके लिए है, अगर आप नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसके बाद में भी अपने आप को इस फील्ड में सोच रहे हैं तो आपके लिए आईआईटी खड़गपुर अगले साल से एमबीबीएस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने, जैसे बहुत ऑथेंटिक टाइम्स ऑफ इंडिया और इसके अलावा कुछ टाइम्स नाउ और कई सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की, जो डायरेक्टर आईआईटी हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि 2024 में 100 सीट्स के साथ एमबीबीएस इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, इसको अलग से शुरू करने की जरूरत है या आईआईटी खड़गपुर अपने ही कैंपस या परिसर में करेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, डॉक्टर बीसी राय इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज आईआईटी खड़गपुर के अंडर आता है, उसका अपना इंस्टीट्यूट है जहां से बहुत पीजी डिग्रीज, डिप्लोमाज और बहुत नामी गिरामी जो है वो कोर्सेज होते हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और जिसका अपना नाम है। तो इस डॉक्टर बीसी राय इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज में अब एमबीबीएस शुरू होने वाली है। आप इस फील्ड के पीक को देख सकते हैं। अब धीरे धीरे मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटों की संख्या है भारत में 1,00,000 से ऊपर हो गई है, 1,10,000 के आसपास सीटें आज की डेट में एग्जिस्टेंस में आ रही हैं और आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से ये सीटें बढ़ती रही तो आप समझ सकते हैं कि ये पीक की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आईआईटी को ये करने की क्यों सूझी या आईआईटी ऐसे कोर्सेज को क्यों लॉन्च कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ ऐसे करिकुलम फ्रेम करने का सजेशन आया था जो रोजगार परक हो, जिनमें एम्प्लॉयमेंट परफेक्ट हो और जो ड्यूअल नेचर के हों। तो आप अगर एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो वहां से भी आपको कुछ इंजीनियरिंग के बेसिस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिलेगा। तो इस ज्ञान का भरपूर लाभ उठाने के लिए आप एक्टिव रहिए और जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से। मैं एमएम बड़ोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। डॉक्टर बीसी राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट आपके सामने मैंने खोल रखी है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंडर आता है और बीसी राय मल्टी स्पेशलिटी मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखिए एकेडमिक यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो बायोसाइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह है, इन सब में यहाँ पीजी प्रोग्राम्स होते हैं, यूजी प्रोग्राम्स जो है वो कुछ चलाए जाते हैं और अब आने वाला है यहाँ एमबीबीएस। तो जल्द ही आपको स्कूल ऑफ साइंसेज जो है उसके कुछ सेक्शन में स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ फिजिक्स, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, केमिस्ट्री, देखिए वाइड जो है वो डायमीटर मिलेगा, वाइड डायमेंशन मिलेगा और आप अपने करियर को नई दिशा और दशा दे सकेंगे। यूं ही अपना प्यार और मोहब्बत लुटाते रहिए और तैयार हो जाइए आईआईटी से एमबीबीएस करने के लिए। जी हाँ, आईआईटी अब एमबीबीएस करवाने लगेगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।